नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। स्वागत है खबरें सुपर फास्ट में और मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश के कुछ ताजा खबरें। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया दावा, प्रयोगशाला से नहीं बल्कि प्रकृति से पनपा कोरोना वायरस। रिलायंस समूह के मालिक अनिल अंबानी, मुंबई में यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के संबंध में ईडी के सामने हुए पेश। कोरोना सहित अन्य विपक्षी सदस्य के शोर शराबे के बीच देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। मध्य प्रदेश में चल रही राजनीतिक हलचल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल को है फ्लोर टेस्ट का निर्देश देने का अधिकार। कोरोना के कहर से भारतीय रेलवे को 155 ट्रेनों को किया रद्द, 100% किराया मिलेगा वापस। चंडीगढ़ में 23 वर्षीय युवती पाई गई कोरोना पॉजिटिव, प्रशासक के सलाहकार मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर उत्पन्न हो रही स्थिति, इससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर गुरुवार रात में देश को करेंगे संबोधित। हरियाणा के फतेहाबाद में युवती ने हनी ट्रैप में फंसाया होटल मालिक के भाई को, बेहोश कर अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। हरियाणा में कोरोना की दहशत से अघोषित कर्फ्यू जैसा हालात, परीक्षाएं स्थगित, 512 संदिग्ध निगरानी में। दुनिया भर में कहर भरवा रहे कोरोना वायरस से बचने के लिए देवभूमि हिमाचल में गुरुवार से 31 मार्च तक भारी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की मां का निधन, पैतृक गांव बादल में हुआ अंतिम संस्कार। कोरोना वायरस के कारण विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों पर पड़ रही दोहरी मार, जरूरत की चीजें खत्म। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।